हम लोग रेगुलरली क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन आज मैंने एक कॉन्सेप्ट लेकर आया है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी, हम लोग ने पढ़ा हुआ है। अभी हम लोग करने वाले रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं और पिछले एग्जाम में भी पूछे गए हैं, और किधर से पूछे गए वो मैं अभी बताने वाली हूँ। तो डेली हम लोग क्वेश्चन करते थे, आज मैं कंसेप्ट लेकर आई हूँ। देखिए कंसेप्ट हमारा क्या है, टोटल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, क्या हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आपको TU का मतलब पता होगा, MU का मतलब पता होगा, और आपको यूटिलिटी का मतलब पता होगा क्योंकि मैंने यूटिलिटी चैप्टर पढ़ाया हुआ है। मैंने बताया कि यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी। ठीक है, एक कॉमोडिटी जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करे, हमको संतुष्ट करे, उसके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी। ठीक है, अब देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होता है, जितना भी यूटिलिटी है। ठीक है, U1 हमारा यूटिलिटी फर्स्ट, यूटिलिटी सेकेंड, यूटिलिटी थर्ड, यूटिलिटी फोर्थ, सबको ऐड कर दीजिए तो हमारा क्या बनेगा, टोटल यूटिलिटी बनेगा। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, जितना भी यूटिलिटी है सबको ऐड कर दीजिए तो क्या बनता है, टोटल यूटिलिटी बनता है। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या, एडिशन है टोटल यूटिलिटी का। जैसे कि देखिए एडिशन है टोटल यूटिलिटी का, कैसे पता चलेगा मैं अभी बताती हूँ, प्रैक्टिकली मैं बता दूं। देखिए यहाँ पर देखिए 18 में से 10 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। तो हम लोग ये कैसे निकाल रहे, टोटल यूटिलिटी मतलब यहाँ पर हम लोग पीछे वाले से ऊपर वाले को माइनस की तो हमारा क्या आया, मार्जिनल यूटिलिटी निकला। मतलब कि जो हमारा MU है वो एडिशन होता है टोटल यूटिलिटी का। इसका क्या होता है, एडिशन होता है। मतलब कि अगर हमें MU कभी निकालना होगा तो हमें टोटल यूटिलिटी हमें गिवन होगा TUN और TUN माइनस 1, ये हमें गिवन होगा और हम लोग क्या करेंगे उसी में से माइनस करके मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो जो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये क्या है, एडिशन है टोटल यूटिलिटी का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग ये कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि TU और MU के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ने एक छोटा सा स्केड्यूल बनाया है। ठीक है, ये स्केड्यूल हमारा है, इसको हटा देते हैं, ये हमारा छोटा सा स्केड्यूल है। यहाँ पर हम लोग ने एक जगह पे कॉमोडिटी लिखा, एक जगह पे टोटल यूटिलिटी, एक जगह पे मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, 1, 2, 3 एक एक यूनिट बढ़ाएंगे, एक एक कॉमोडिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, हमारा टोटल यूटिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, घटेगा। देखिए हमारा जैसे जैसे हम लोग कॉमोडिटी बढ़ा रहे हैं, हमारे टोटल यूटिलिटी पहले 10 था, अब 80 हो गया, उसके बाद 23 हो गया, उसके 25 हो गया। एक टाइम ऐसा है कि हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो गया, डिक्रीज होने लगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रही है, कंटिन्यूअसली आपका क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, ये कहीं पर भी इंक्रीज नहीं हुआ है, ये सिर्फ फॉल कर रहा है। तो आप देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये सिर्फ फॉल कर रहा है, कहीं पर भी इंक्रीज नहीं हुआ है। तो हम लोग ये दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन निकालेंगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। अब देखिए हम लोग कैसे रिलेशन निकालते हैं, देखिए टोटल यूटिलिटी क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग ऐसे लिखते, देखिए MU क्या होगा आपका, फॉल कर रहा है, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। आपसे यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले आपसे पूछ लिया जाएगा, इफ
TU is increasing, then MU आपको बताना होगा, तो MU क्या हो रहा है, fall कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए, देखिए marginal utility है वो क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, 10 से 8 हो गया, लेकिन आपका जो total utility है ये क्या हो गया, increase हो रहा है 10 से 18, 18 से 23, लेकिन marginal utility क्या, ये सिर्फ decrease हो रहा है। इसके बाद एक point ऐसा आया कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, एमयू क्या हो गया, जीरो हो गया, जब टोटल यूटिलिटी हो जा रहा है मैक्सिमम, मतलब जब टोटल यूटिलिटी अपने सबसे पीक पॉइंट पे, सबसे हायर पॉइंट पे, उस समय मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एमयू इज इक्वल टू जीरो कब होगा, जब जब टोटल यूटिलिटी हो जाएगा मैक्सिमम, टीयू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये चीज समझ में आ गया। इसके बाद आप देखिए एमयू क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिक, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पॉइंट ऑफ स्टैटिटी किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, ठीक है। अब इसके नीचे हम लोग आते हैं, अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, एमयू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है, और टोटल यूटिलिटी क्या किया, फॉल हो गया है, टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, अब डिक्रीज होने लगा, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस यूटिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, डिस यूटिलिटी बोलते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, ये है सिंपल सी चीज, आपको याद रखना है ये तीनों चीजें, जो ये तीनों स्टेजेस मैंने बताए हैं, ये आपको याद रखना, इसी से क्वेश्चंस एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा सकते हैं कि एमयू जब डिक्रीज होगा तो टीयू क्या होता है, इंक्रीज होता है। हम लोग ने यहाँ पे देखा एमयू यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया, तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया, इस पॉइंट को लोग पॉइंट ऑफ स्टैटिटी बोलते हैं, और एमयू जब नेगेटिव हो गया तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज किया, इसको हम लोग डिस यूटिलिटी बोलते हैं। मतलब कि अगर आप किसी कमोडिटी को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो क्या होता है, एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, अब आपसे बिल्कुल भी और कंज्यूम नहीं होगा, तो वो सिचुएशन आपका क्या होता है, डिस यूटिलिटी, मतलब आपकी सारी यूटिलिटी खत्म, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं डायग्राम में, देखिए ये जो हमारा डायग्राम है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यूटिलिटी शुरू में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, उसके बाद ये क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, बिल्कुल हमारे स्केड्यूल की तरह आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने के बाद ये मैक्सिमम में पहुंचा, मैक्सिमम में पहुंचने के बाद ये डिक्रीज होने लगा, ठीक है। देखिए आप टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट, पहले ये क्या हो रहा है, पहले ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम में पहुंचेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, डिक्रीज होने लगेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा कौन सा है, टोटल यूटिलिटी, ये क्या है हमारा, टोटल यूटिलिटी। और हम लोग सेकेंडली ये देखें कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये सिर्फ फॉल कर रहा है, देखिए ये सिर्फ क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, और एक पॉइंट पे देखिए जीरो में आ गया, और उसके बाद ये हमारा जो, जब ये जीरो में आया, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रहा है, जीरो, और टोटल यूटिलिटी हो जा रहा है मैक्सिमम। देखिए ऊपर में देखिए टीयू मैक्सिमम है और एमयू है जीरो, इसके बाद क्या होगा, एमयू नीचे की ओर जाएगा, मतलब कि ओरिजिन से नीचे की ओर जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, एमयू क्या हो जा रहा है, नेगेटिव, और टोटल यूटिलिटी क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए फॉल करने लगा, नीचे की तरफ जाने लगा, ये क्या हो गया, फॉल हो गया, मतलब यहाँ पे ये सिचुएशन आ गया आपकी डिस यूटिलिटी का, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा डायग्राम था, बहुत ही सिंपल था, यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं, बहुत सिंपल सा, बस यहाँ पे TU और MU है, TU देखिए एक बार इंक्रीज करता है, फिर मैक्सिमम में जाता है, फिर फॉल करने लगता है, ये हमारा टोटल यूटिलिटी का नेचर है। मार्जिनल यूटिलिटी का क्या है, ये सिर्फ फॉल करेगा, एक पॉइंट पे वो जीरो में चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि बहुत सिंपल है, जब हम लोग किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो शुरू में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को खाते खाते ऐसा लगता है कि अब ना खाएं, ठीक है, हमारा यूटिलिटी
जीरो हो जाता है फिर भी हम लोग खाते हैं, उसके बाद लगता है अब तो होगा ही नहीं, मतलब हमारा यूटिलिटी पूरा डिसयूटिलिटी में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा रिलेशन था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये जो तीन है, इससे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये स्केड्यूल डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोग ने आज पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड NU, इससे हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो मैं डेली शॉर्ट्स के जो रील के जो वीडियो होते हैं, मतलब शॉर्ट वीडियो, उसमें MCQs क्वेश्चन पोस्ट करते हो, आप उससे भी देखा करिए, उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी।